हेलो ब्रीमन नमस्कार वेलकम टू लेट्स यूपीएस सी एस हिंदी मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं एक यूपीएससी इंटरव्यू अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर अन एकेडमी का एजुकेटर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज बुक लिस्ट पर बात करेंगे बड़ी अच्छी क्लास होगी मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को कि अगर आप घर बैठे भी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक रास्ता मिलेगा कि आपकी अलमीरा जो है वो कम से कम अच्छी बुक्स के साथ अच्छे कंटेंट के साथ जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो आपके लिए आज मैं बुक लिस्ट लेकर के आ रहा हूं जो टॉपर्स होते हैं जो वो रिकमेंड करते हैं उनका भी मैंने रेफरेंस लिया है जिससे कि आप लोग एग्जैक्ट जो तैयारी कर सके हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंदी मीडियम में कंटेंट थोड़े से एक एक दो जगह लैक हैं लेकिन उसके लिए भी आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए तो वो मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर पाएंगे ठीक है तो चले चलते हैं और जो भी बच्चे अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो ये मेरा एस के लाइव कोड है आप अनएकेडमी सब्सक्रिप ऑल अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन एस के लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए और देख सकते हैं कितनी कम फी है तो आप अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन ले करके इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप आ करके और लर्निंग कर सकते हैं यूपीएससी के लिए आप देख सकते हैं टू इयर्स फी कितनी कम है टू इयर्स की फ़ी यहाँ पे आप देखें कितनी कम है बहुत कम है कितनी कम है बहुत कम है आप देखें एसके लाइव कोड मेरा इस्तेमाल अगर आप करते हैं टेन परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है और फिर आप मेरे कनेक्शन में भी आ जाते हैं और फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फी है और अगर आप वन ईयर का लेना चाहते हैं विद टेन परसेंट डिस्काउंट तो थर्टी सिक्स थाउजेंड फ़ी है आप देख सकते हैं और सारा कोर्स यहां पर कंप्लीट होता है मैं आज से बताना चाहूंगा कौन कौन से कोर्स में कवर कर चुका हूं जो आते ही आपको क्लासेस मिलने लगती हैं तो जैसे ऑप्शनल हिंदी ऑप्शनल हिंदी मैं करा चुका हूं तो आप यहां आएंगे तो क्या करेंगे आपको पूरा कोर्स आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर व्याख्या की क्लासेस यानी जो व्याख्या खंड होता है उसकी क्लासेस मैं अलग से लेता हूं तो यानी क्या हो जाएगा आप आएंगे तो ऑप्शनल आपको यानी ऑप्शनल हिंदी साहित्य में कंप्लीट करा चुका हूं व्याख्या खंड पे अलग से लाइव क्लासेस में जब भी होती है तो मैं लाइव क्लास ही लूंगा तो ऑप्शनल आपका हो चुका है प्लस एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड यानी एथिक्स आपका जो है जीएस पेपर फोर थोड़ा मैं अच्छी राइटिंग में लिख दू क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि बच्चे जैसे आते हैं एडमिशन मतलब जो है तो उन्हें क्या जैसे कभी कभी क्या होता है ना असुविधा फील हो जाती है कि सर आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे क्या क्या करें तब यह बताना बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या क्या मैं करा चुका हूं जिससे एक आइडिया आपके दिमाग में उन बच्चों के दिमाग में रहे तो जो हो चुका है वो वैकल्पिक विषय आपका यानी वैकल्पिक विषय यानी हिंदी साहित्य ये बेटा बहुत जरूरी है मुझे बताना पड़ेगा वैकल्पिक विषय हो चुका है तो आप जैसे ही एडमिशन लें फटाफट आप वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पे अटैक कर दें आते ही बाकी तो मैं आपको सारा राह बताता हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंट हो कि आते ही हमें क्या कोर्सेज मिलने वाला है ठीक है अभी ये सब मैं करा चुका हूं आते ये मिलेगा फिर जब लाइव कराऊंगा तो आपको रिवीजन मिल जाएगा एक बार आप खुद पढ़ेंगे फिर इसके बाद रिवीजन तो जबरदस्त फिर जीएस पेपर फॉर एथिक्स करा चुका हूं यानी ये एथिक्स और ये नहीं करा चुका हूं फिर कराऊंगा नहीं जैसे ये हिंदी में करा चुका हूं हिंदी टोटल बेटा हिंदी मतलब हिंदी मेरे लेक्चर में हिंदी मतलब हिंदी हिंदी भाषा में करा चुका हूं प्लस विद नोट्स आप बहुत जबरदस्त मतलब नोट्स के साथ सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन आंसर के साथ आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है तो आपको क्वेश्चन एंड आंसर के साथ ये सब करा चुका हूं प्लस एथिक्स का बाइलिंगुअल बैच चल रहा है अभी बाइलिंगुअल बैच यानी ये लाइव हूं जब ये इंग्लिश में कंटेंट होता है हिंदी में डिक्टेट करता हूं बायलिंगल तो जो बच्चे बाइलिंगल करना चाहते हैं अभी आ सकते हैं आप देख सकते हैं आपको इंग्लिश का भी कोर्स है भी कोर्स है मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी और अभी इतिहास फिर चल रहा है इतिहास में करा चुका हूं फॉर प्रिलिम्स और इतिहास अभी फिर प्रिलियम्स प्लस मेस दोनों चल रहा है यानी या लाइव क्लास एक बार आप ये करेंगे फिर एक बार ये करेंगे फिर इसके बाद आपका कई कोर्सेज ऐसे पूरा का पूरा आपका कंप्लीट वहां पर रेडी है फिर इसके बाद जिनको प्रिलिंस पर थोड़ा फोकस करना है तो प्रिलिम्स पर 50 चैप्टर का टॉप पूरे पिछले पांच महीने से पढ़ा रहा हूं प्रिलिम्स टॉप 50 चैप्टर प्लस इसके साथ साथ याद रखेंगे इसके साथ साथ फाउंडेशन बैच वालों के लिए फाउंडेशन जो भी बैच करते हैं उनके लिए थर्टीन लेक्चर थर्टीन लेक्चर की वो तैयारी कैसे करें इस पर तेरा लेक्चर मैंने बनाया हुआ बहुत अमेजिंग है तो आते ही सबसे पहले मैं बच्चों को यही लेक्चर देखने को कहता हूं फाउंडेशन तेरा लेक्चर तो ये सब हो चुका है बाकी डेली क्लासेस मैंने बताया कि दो क्लासेस डेली लाइव चलती हैं दो क्लासेस ठीक है डेली लाइव चलती है प्लस ये कंटेंट बना हुआ है आप एक बार आते हैं तो सुबह से शाम आपकी क्लासेस चलने लगती है ये नहीं होता है कि आप केवल लाइव क्लास में आप हमारे साथ लग जाते हैं इसके बाद और भी एजुकेटर आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है अपकमिंग बैचेस अभी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य नेक्स्ट मंथ से फिर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल न्यू ब्रांड जिसमें व्याख्या खंड हम कंप्लीट करेंगे तो वैकल्पिक विषय वगैरह सब स्टार्ट हो तो आप आकर के कनेक्ट हो सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ एसेंशियल यूपीएससी बुक फॉर प्रिलिम्स एंड यूपीएससी मेन्स तो आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे और चलते हैं यहां से देखिए सबसे पहले बहुत सबसे पहले एक एक चीज अब आप नोट करते चलेंगे जीएस पेपर वन जीएस पेपर वन सबसे पहले हिस्ट्री ठीक है ना यानी हम मेन से प्रीलिम्स की तरफ जैसे आपने देखा होगा लिस्ट ऑफ एसेंशियल यूपीएससी बुक फॉर प्रीलिम्स एंड यूपीएससी मेंस तो ये बुक लिस्ट कैसे बनी है तो कल का लेक्चर जिन बच्चों ने देखा होगा उनको और फायदा होगा मैंने जो कल वन ईयर की स्ट्रेटजी बनाई थी वन ईयर की स्ट्रेटजी बनाई थी वन ईयर की स्ट्रेटजी बनाई थी तो ये वन ईयर की स्ट्रेटजी में मैंने आपने देखा होगा सबसे पहले मेंस लिया था ठीक है ना यानी ऑप्शनल एथिक्स और एसे क्या लिया था ऑप्शनल एथिक्स और एसे ये लिया था फिर इसके बाद सेकंड फेज में मैंने क्या लिया था पेपर वन टू थ्री यूनिट पढ़ना था और फिर इसके बाद हमने थर्ड फेज में प्रीलिम्स लिया था तो आज आपका जो बुक लिस्ट भी है बुक लिस्ट भी सेम कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग है इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले हम मेंस के लिए बातचीत करेंगे और फिर अपने आप तो आपको यह लगेगा कि सर ने जो कल वन ईयर की स्ट्रेटी यानी जो मैंने कल वन ईयर की स्ट्रेटी कराई आपको बहुत पसंद आएगी बच्चों मैं नहीं कहता हूं कितने लोग देखे ना देखें लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो कल वन ईयर की स्ट्रेटजी है एकदम उसी के अकॉर्डिंग यहां पर पूरा प्लान है कि कैसे आपको मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना जब हम प्री में आएंगे तो आपको लगेगा है प्री तो हमारा कंप्लीट हो चुका है मेंस के टाइम ही तब आपको एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये होती है अच्छी तैयारी की रणनीति और आप इसे अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं जिन बच्चों को असुविधा होगी ऑब्वियस है वो हम लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं कोई इच्छा नहीं तो चलते हैं यहां से जीएस पेपर वन हिस्ट्री में देखिए एनसीआरटी एनसीआर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ क्या है एनसीआर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ और इसमें भी सिक्स टू ट्वेल्थ में जो फोकस एरिया होगा इसे आप स्टार इस मार्क ऐसे बना लीजिए आगे मैंने बनाया है स्टार मार्क तो जो फोकस मैग होगा और ये बच्चों ओल्ड है इसमें ओल्ड यानी ओल्ड एनसीआरटी ओल्ड एनसीआरटी ठीक है ना और अभी आपको ये लगेगा कि आपको पता है अभी आगे आपको मजा आएगा कि बहुत सी ऐसी चीजें आज, आज आप जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता कि ये भी बुक लिस्ट में होती हैं ठीक है ना काफी कुछ और मुझे बताइएगा अगर अच्छा लगेगा कि एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी के लिए जो चाहिए वो यहां पर मटेरियल सारा दिया गया फाउंडेशन के बच्चों के लिए एनसीआरटी क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ आपको पढ़ना है क्लियर है बट इसमें ओल्ड पढ़ना है न्यू नहीं पढ़ना है फोकस किस पर करना है यानी कि फोकस किस पे करना है

और उसके बाद आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा ये आपका इलेवेंथ और ट्वेल्थ प्लस इसी ट्वेल्थ में एक और आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का उसे कहते हैं समकालीन विश्व का इतिहास तो मैंने तीनों बता दिया आप नोट कर लीजिएगा तो ये हो गया आपका यानी फोकस ज्यादा पढ़ना नहीं है और कैसे पढ़ना है एनसीआरटी वो मैं आपको बता चुका हूं अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो अगर आपने देखा हो कैसे पढ़े एनसीआरटी तो ठीक है बच्चों लेकिन यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि हम एनसीआरटी कैसे पढ़े क्लियर है तो मैंने पहले आपको बताया हुआ प्रीवियस इस के क्वेश्चन का एनालिसिस करें कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं फिर हम जो एनसीआरटी के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको देखें यानी जो एनसीआरटी के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है फिर हम चैप्टर पढ़े याद आया आप लोगों को और चैप्टर पढ़े तो कैसे 5W डब्ल्यू प्लस का कॉन्सेप्ट दिया गया था 5W मतलब वाट वेर वेन वाय एंड हाउ तो ये आप इस प्रकार से चीजों को देख सकते हैं तो कैसे पढ़े ये आप यहां से चीजों को बना सकते हैं और इसके लिए अगर एनसीआरटी देखना है तो अभी मैंने हाल में ही कराया है कैसे पढ़े एनसीआरटी हिस्ट्री की इतिहास के एनसीआरटी कैसे पढ़े मैंने एक पूरा सेगमेंट आपको बनाया और मैंने कहा था ऐसी एनसीआरटी आपको सभी में पढ़ते हुए चले जाना बच्चों समझ लो आज जीवन बदलने वाला है मैं पहले से कह रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं हाइपर की मुझे आपको तो अच्छे से पता है बेटा मैं तो कभी कहता भी नहीं हूं लाइक करना है शेयर करना है ठीक है ना ये सत्य मैं बता रहा हूं कि जीवन बदलने वाला है अगर आपकी अलमीरा में इतनी बुक आ करके भले आप पढ़ पाए ना पढ़ पाए चूंकि ऑब्वियस हमारी हमारा बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है मतलब बैकग्राउंड का मतलब जो एजुकेशन हम लेके आते हैं बी में या आप बीटेक वगैरह भी करते तो भी ऐसा कुछ खास नहीं है आप अपने स्ट्रीम में अच्छे होंगे बट ह्यूमिटी में जो भी पढ़ना होता है उसमें एनालिसिस वगैरह कुछ सिखाया नहीं जाता <coughs> तो ऐसे में ऐसे में ये आपके लिए बहुत आज बड़ी चीज होने वाली है मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए मन से देखिएगा और घर पे एक बार और देखिएगा दो बार तीन बार 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 देखिएगा कौन कौन से वीडियो वन ईयर की स्ट्रेटजी वन ईयर की स्ट्रेटजी ठीक है ना और टू ईयर की मैंने एक टू ईयर की खैर वो अभी एक बार मैं फिर बनाऊंगा टू ईयर की तो वन ईयर की स्ट्रेटजी टू वन ईयर की स्ट्रेटजी प्लस ये बुक लिस्ट यानी नंबर वन ये और नंबर दो बुक लिस्ट जो अभी चल रही है और इसके बाद बुक लिस्ट के बाद नंबर तीन जो आप लोगों ने अगर देखा होगा कि कैसे पढ़े इतिहास की एनसीआरटी यानी इतिहास की एनसीआरटी दस घंटे में कैसे पढ़े मैंने बनाया इतिहास की एनसीआरटी दस घंटे में कैसे पढ़े ये मैंने वीडियो बनाया हुआ दस घंटे में कैसे पढ़े ये तीनों एक साथ आप कर लेंगे बेटा जिंदगी बन जाएगी कैसे पढ़ें ठीक है ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में स्वाभाविक है सबके लिए है बट जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है और वो कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो आज आप आज आपके लिए समझिए सब यहां पर मैं बना दे रहा हूं बाकी जो बच्चे आना चाहेंगे वो आ जाएंगे तो ये हो गया दूसरा क्या करना है आधुनिक भारत का इतिहास बाय विपिन चंद्रा ये भी एक बार आपको देख लेना चाहिए आपकी अलमीरा में ये बुक होनी चाहिए स्पेक्ट्रम हिंदी बाय राजीव अहिर ये भी आप देख सकते हैं लेकिन उसकी शर्त है कि जब एनसीआर कंप्लीट हो जाए तो यानी ये कंप्लीट हो जाए तो स्वाभाविक है ये क्या होते हैं ये टेक्स्ट बुक है इनका नेचर क्या है ये टेक्स्ट बुक है बच्चों क्या है टेक्स्ट बुक है और ये क्यों मैं लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कंपटीशन के लिए क्या है ये ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखी गई तो आप इसको देख सकते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखी गई क्लियर है तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहले आपने एकेडमिक्स की बुक पढ़ी मेरी स्टाइल में पढ़ी फिर उसके बाद आपने क्या किया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखी गई बुक को पढ़ लिया तो आपका एक क्लियर हो गया ठीक है ना इसके बाद भारत गांधी के बाद यानी भारत गांधी के बाद ये बुक है बाय रामचंद्र गुहा ये आप देख सकते हैं बिपिन चंद्रा सर की भी है लेकिन बिपिन चंद्रा सर की बहुत भारी भरकम है बहुत भारी भरकम है वो बुक तो आप ये तो ये हो जाएगा आपका घर बैठे पूरा आपका जीएस पेपर वन हिस्ट्री तैयार हो जाएगा क्लियर है ये सारी बुक देखते रहिएगा अभी देखिए प्रीलिम्स कल कहा था ना कि प्रस केवल तीन महीना रखना है अभी देखिए कैसे प्रूफ हो रहा साइंटिफिकली कि जो कल हम लोगों ने वन ईयर स्ट्रेटजी की लिए भी तो यूनिट वन आता है ना आर्ट एंड कल्चर पूरा यूनिट वन जो आपकी मेन्स की है वो आर्ट एंड कल्चर वाला एनसीआरटी क्लास ट्वेल्व एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये देखिए स्टार बना हुआ प्लीज इसको जरूर ले लीजिएगा एनसीआरटी क्लास ट्वेल्व की है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये क्या है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर में बहुत डीप पढ़ने की जरूरत होती नहीं जितना आपको कॉमन जानकारी चाहिए नागर वेशर द्राविड़ स्तूप स्थापत्य ये सब आपको मिल जाता है ठीक है ना तो आपको बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की सैन नगरीकरण भीम बेटका की चित्रकला वो सब मिल जाता है तो ऑबियस है मैं तो हमेशा कहता हूं बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं ठीक है तो ये सिंपल है ये आपका हो जाएगा बहुत ये आप ले लीजिएगा फिर इसके बाद आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया आप इसको भी अपने वार्डरोब मतलब आप अपने अलमीरा में रख सकते हैं अच्छी बुक है बीच बीच में देखने के लिए आप रख सकते हैं एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लियर है तो आप ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया ये बुक भी आप रख सकते हैं बट स्टार बना है किस पे इस पे याद रखिएगा यानी आपको केवल आपका काम इससे हो सकता है बट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसके बाद एंसियंट इंडिया एनसीआर जो आपने यहां पे देखी थी ठीक है ना हिस्ट्री के लिए एंशियंट इंडिया की एनसीआरटी जो मैंने बताई बिपिन चंद्रा वो फिर से यहां आ जाएगी आर्ट एंड कल्चर में बाई आर एस शर्मा वो फिर से यानी वही एनसीआरटी आर्ट एंड कल्चर जिससे आपको ये क्लियर है देखिए साइंटिफिक बना जिससे आपको ये क्लियर है कि आर एस शर्मा हम कंप्लीट हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं बट आर एस शर्मा हम आर्ट एंड कल्चर यानी जहां पर साहित्य जहां पर संगीत जहां पर कला जहां पर वास्तुकला ये ये टर्म आएंगे मतलब एनालिसिस आएगा हर एक चैप्टर में हमें केवल वो पढ़ना है एक बार कंप्लीट पढ़ना और दूसरी बार केवल आर्ट आर्ट वाले पार्ट पर फोकस करना फिर इसके बाद मेडअल इंडिया एनसीआरटी बाई सतीश चंद्रा तो ये आर्ट एंड कल्चर में यानी जो जो टर्मिनोलॉजी आर्ट एंड कल्चर वगैरह से रिलेटेड है वो हम यहां से कर लेंगे तो आपका ये देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर ये आपका पूरा बनता चला जाएगा और एक चीज और याद रखेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे, वैसे वैसे नोट्स भी बनाते जाएंगे नोट्स बनाने का तरीका हमने पहले बताया यही वाला चलेगा जो कैसे पढ़ने वाला फाइव डब्ल्यू प्लस बनेच वाला एक बार आप लोग और एनसीआरटी को चेक कर लीजिएगा फिर इसके बाद क्या है अगला आप देख सकते हैं जियोग्राफी जीएस पे, पेपर वन मीन में जियोग्राफी आपका आ जाएगा तो ज्योग्राफी आप देखिए एनसीआरटी सिक्स टू ट्वेल्थ और इसमें न्यू एनसीआर आपको लेनी है ये कंप्लीट होती है न्यू एन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्या है सिक्स टू ट्वेल्थ एनसीआर ये न्यू एनसीआर है ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है इसके अलावा दो बुक है आपके पास भारत का भूगोल बाय ये स्पेक्ट्रम की है भारत का भूगोल ये भी अच्छी है और महेश बनवाल की जो ज्योग्राफी जो की बुक आती है आप उसे भी देख सकते हैं ये इस बुक का जो नेचर हुआ इसी एन की समरी है तो आप एक बार क्या करते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो गई और फिर कंपटीशन के लिए यानी ये जो महेश बनवाल की बुक है ये कंपटीशन के लिए लिखी गई है तो आप एक एक बुक पढ़ते हैं और उस बुक के साथ आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक पढ़ते हैं तो एक एक से आपका पूरा थारो क्लियर होता है दूसरा हमें पता लग जाता है कि हमें किस प्रकार से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को मतलब कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो आपके पास और इसके बाद आपका एटलस यानी आपको मैप तो रखना ही पड़ेगा यानी मैप पर आपको अच्छा तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का आई होप आप इसको समझ पाएंगे तो ये हो गया आपका अब आते हैं जीएस पेपर टू अभी सोसाइटी वगैरह बचा है वो वो हम लोग सब आगे मिलेगा करंट से करेंगे जीएस पेपर जो मेजर सेगमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी तो आप देखें एनसीआर टी सिक्स टू ट्वेल्थ जो न्यू एनसीआर है यह आपको करना पड़ेगा बट इसमें बहुत डीप नहीं जाना यानी कि ऐसे एक एक, एक एक नहीं इट्स ओके okay. आपने बस एक बार क्या किया जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के को ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स को आपने पढ़ा तो वो चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से और आपको पता भी लग जाएगा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है नहीं तो पूरी कहानी पढ़ रहे हैं डजेंट मैटर ठीक है ना तो आप ये करेंगे न्यू एनसीआर अब इसके बाद देखिए स्टार लगाई हुआ बताने की जरूरत नहीं इंडियन पॉलिटी बाई एम एम लक्ष्मीकांत तो मैंने खुद भी करा है बाइबल टाइप की किताब है कोई मतलब ये तो आपको करना करना है आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग यानी जो यूपीएससी ने आपकी यूनिट दी हुई है आप उसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैं इस पर लेक्चर भी लेके आने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर किस मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत फॉर मेंस के नाम से एक मैं फिर से बनाने वाला हूं कि जैसे उसमें कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी यूनिट किस किस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है फिर इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स अब ये पेपर का नेचर जो है करंट अफेयर्स बेस्ड है एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेस क्लियर हो जाएगा आपका बेस क्लियर हो जाएगा एनसीआर पढ़ेंगे तो अच्छी धीरे धीरे एक अच्छी समझ बन जाती है एनसीआर इसीलिए पढ़ा जाता है कि एक तो इजी लैंग्वेज होती है ऐसा वो लिखता है कि जैसे बच्चों को समझा रहे हो आइए देखते हैं आपने देखा है क्या बच्चों आपने देखा है तो थोड़ा सा पिक्चर बनता है विजुलाइजेशन होता है तो वो जो विजुलाइजेशन होता है वो हमें हेल्प करता है चीजों को समझने में इजिली चीजों को समझने में तो ये दो करते हैं तो आपका पॉलिटी का पूरा बेस क्लियर हो जाता है बेस पूरा आपका क्लियर हो जाता है अब उसके बाद क्योंकि इस, इस पेपर का नेचर करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है तो अब करंट अफेयर्स आपको करना है जिसमें एडिटोरियल्स करने होते हैं न्यूज के जिसमें पीआईबी करनी होती है और पीआरएस करना होता है ठीक है ना अभी बताऊंगा कैसे करना भी है तो एडिटोरियल्स करना है पीआईबी करना है पीआरएस ठीक है तो आपको अच्छे से पता है करना है अब जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं द हिंदू और तो है आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं सारा मैं करा ही देता हूं तो भी करा देता हूं पीआईबी भी और पीआरएस के भी जो महत्वपूर्ण होते हैं वो भी मैं करा देता हूं इसके बाद बच्चों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिक्स रिपोर्ट सेकेंडरसी की सिक्स रिपोर्ट उसका नाम है लोकल गवर्नेंस ये आपको करना पड़ता है आपको कुछ डिसेंट्रलाइजेशन जो इकोनॉमी का होता है उसके बारे में जानकारी के लिए तो ये आपको चार चीज करनी होती है और ये सब इजिली अवेलेबल है ये इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ये और ये आपको पता है ये इंटरनेट पर अवेलेबल है आप डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर्स तो मैं करा रहा हूं बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आपका स्वागत है फिर इसके बाद देखिए पेपर टू में गवर्नेंस पे आ जाते हैं गवर्नेंस के लिए सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग की कई रिपोर्ट आई है तो पहली चौथी नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं ये आपको देखना पड़ता है इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है वो आपको यहां पर देखना पड़ता है तो आप देखिए गवर्नेंस के लिए इसलिए मैंने कहा था आप आप लोगों से मैंने इसीलिए आप लोगों से एक चीज कहा था याद रखिएगा क्या कहा था मैंने मैंने ये कहा था कि जैसे जब मैं गवर्नेंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो इसी से ये यही सब मेरे बेस हैं तो आपका जबरदस्त रूप से यानी आपको एकदम जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के आसपास रखना है तो पहले ये करना है इस पर कोई और बुक नहीं है करेंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स एडिटोरियल्स पीआरएस और पीआईबी तो ये तो आपको पता है इस पेपर का नेचर ही अच्छा बट अगर आप एक बुक और पढ़ना चाहते हैं तो एनबीटी प्रकाशन की है एनबीटी प्रकाशन की है नेशनल बुक ट्रस्ट क्या नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी प्रकाशन की बुक है ये एनबीटी प्रकाशन बोलते हैं जो इंडिया वगैरह निकालता है ना जो विज्ञान प्रगति जो हमारा प्रकाशन विभाग है सरकार का तो एनबीटी की बुक है उसका नाम ही है बेटा सुशासन क्या नाम है सुशासन ये बुक का नाम ही है तो आप एनबीटी अब जिन बच्चों को एनबीटी के बारे में नहीं पता एनबीटी जस्ट लाइक एनसीआर तो अच्छी बुक होती है आप इन्हें भी देख सकते हैं तो गवर्नेंस में आपको ये तीन बुक यहां से देखनी है जीएस पेपर टू में अब आपका बचता सोशल जस्टिस क्या बचता है सोशल जस्टिस इसमें क्या करेंगे सोशल जस्टिस देख सकते हैं करेंट अफेयर एडिटोरियल पी और पीआईबी सेम क्योंकि वो आपको मिल ही जाता है मैं हमेशा कोई कोई स्कीम गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर के आ रही है तो बहुत ज्यादा इसमें ठीक है ना इसके अलावा नीति आयोग का एक यह भी फोटो स्टिप शॉप वगैरह पर इंटरनेट पर सब जगह अवेलेबल है थ्री ईयर एक्शन एजेंडा नीति आयोग का थ्री ईयर एक्शन एजेंडा यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है अब आपको अच्छे से पता हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक होती जाती है बट यह बहुत अच्छा है आपको देखना पड़ेगा और इसके साथ साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो सोशल जस्टिस यानी जो बीकर सेक्शन है उनके लिए जो भी रिफॉर्म के लिए जो भी पॉलिसियां लाई जाती हैं यानी उनको हम क्या उनके कहीं ना कहीं उनको मजबूत स्थिति यानी इंक्लूसिव सिस्टम में उन्हें लाने के लिए जो पॉलिसीज़ जो अप्रोच आती है वो आपको पता होना चाहिए तो ये आपको यहां पर ये यह पता होना चाहिए पेपर टू ठीक है फिर इसके बाद अब इंटरनेशनल रिलेशन में जाने से पहले पेपर टू को एक और बुक है यानी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी लेकिन गवर्नेंस और सोशल जस्टिस इसके लिए एक और है जो मैंने यूट्यूब पे आपको कराया भी है वो क्या है नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट है ना न्यू इंडिया ठीक है ना न्यू इंडिया स्ट्रेटजी न्यू इंडिया स्ट्रेटजी एट द रेट सेवेंटी फाइव एट द रेट सेवेंटी फाइव यह बुक का नाम है नीति आयोग का ये भी है एट न्यू इंडिया एट द रेट ठीक है ना सेवेंटी फाइव तो ये विजन ये भी आपको देखना इसमें गवर्नेंस पर अलग से तीन चार चैप्टर दिए गए हैं तो आपका गवर्नेंस और अच्छा तैयार हो जाएगा और करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये सब आंसर में नहीं आता है तो आप कुछ भी पढ़ें किससे पढ़ें मैटर ही नहीं करता वो आपको कोई समझाने वाला चाहिए जो इतने बड़े कंटेंट को समेट करके इतने में कर सकता हो ये चीज हमेशा याद रखिएगा तो ये आपको करना है और ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है किसी बच्चे को अलग से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं ठीक है ये हो गया यानी आप गांव शहर सब अर्बन लॉकडाउन जहां भी है मैटर सोशल जस्टिस इसमें भी ये जो बिजन डॉक्यूमेंट है एट द रेट सेवेंटी फाइव न्यू इंडिया की स्ट्रेटी वाला वो सोशल जस्टिस में भी चूंकि तो वो बुक यहां भी आ जाएगी यानी सेम एट द रेट सेवेंटी फाइव कहा जाएगी यहां भी आ जाएगी कहा जाएगी जस्टिस में भी यानी इसके साथ साथ क्या आ जाएगी एट द रेट सेवेंटी फाइव देखिए कितनी अच्छी तैयारी होती है एट द रेट सेवेंटी फाइव ये हो गया आपका मेन्स की तैयारी अब आता है आपका जीएस पेपर टू में इंटरनेशनल रिलेशन क्या आता है इंटरनेशनल रिलेशन इसमें क्या करना है तो ये तो पूरा करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स बेस्ड है तो क्या करना है आपको एडिटोरियल्स करने जो मैं रेगुलर कराता हूं ठीक है ना इंटरनेशनल और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है यानी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है तो बहुत ईजी है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कम से कम यह वेबसाइट थोड़ी हिंदी में मेंटेन है सुषमा स्वराज जी थी उन्होंने काफी मेंटेन कराया था इस टाइम तो कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई हिंदी में ना बहुत बढ़िया बढ़िया एडिटोरियल्स रहते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में तो ऑब्वियस आप है आपको रहता ही रहता है बट हिंदी में भी एडिटोरियल्स आपको मिल जाते हैं पूरा दक्षिण एशिया और भारत थोड़ा ओल्ड भी होता है कभी कभी चौदह तक का ही होता है बट आपको पूरा इंडिया का सैनारियो पता लग जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर के दक्षिण एशिया को लेकर के बिम्स्टेक को लेकर के क्यों क्योंकि उसमें जो विदेश मंत्रालय के सचिव वगैरह रहते हैं उनकी स्पीचेज होती हैं वो आप सर्च करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा देखो अब नई पीढ़ी है इंटरनेट पर तो आपको अटैक करना पड़ेगा यह हो गया इंटरनेशनल रिलेशन इसके अलावा कोई भी नहीं कुछ भी नहीं कोई मैगजीन नहीं कोई वर्ड फोकस नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पता चला आप उलझ गए दो क्वेश्चन आता है अब आते हैं जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी में आ जाते हैं अर्थशास्त्र में एनसीआरटी नाइन टू ट्वेल्थ ठीक है ये एक स के लिए मैंने कहा था ना प्रीलिम्स का क्योंकि सिलेबस अलग होता है इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को मना किया था कि प्रीलिम्स में तो उसमें कुछ है नहीं बट देखिए के लिए यानी पॉवर्टी अनुप्लॉयमेंट ये सब बेसिक्स आपका वहां तैयार होता है तो टू जो न्यू एक बार आपको मेन्स के लिए देखना चाहिए न्यू आपको मेन्स के लिए ठीक है यह आपको देखना है तो यह आपका यानी स्टार मार्क है ये चीज आपको दिमाग में रखना दूसरा इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह इसके भी कई चैप्टर्स आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अब देखिए वहां पर एम लक्ष्मीकांत सर की बुक क्या थी है भी थी तो मैंने बता दिया कि मैं आपके लिए काम करने वाला हूं यानी अब जल्दी एक लेक्चर आने वाला कभी भी आ सकता है एक इसी एक हफ्ते के अंदर जिसमें बता दूंगा कौन सा चैप्टर मेंस के किस मतलब कौन कौन सा चैप्टर मेंस की किस यूनिट में काम आएगा दूसरा रमेश सिंह सर का भी एक लेक्चर में कर दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर मेंस में जो यूनिट्स हैं कौन कौन सी यूनिट में फिट बैठ रही हैं तो आपका ये काम हो जाएगा ठीक है ना भाई रमेश सिंह बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपका हो गया ठीक है ना क्या बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपका हो गया तो ये हो गया इकोनॉमी इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है ठीक है और बजट और इकोनॉमी और प्लस करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा यानी एडिटोरियल्स तो आपके चलते रहेंगे उसको तो आप छोड़ सकते नहीं एडिटोरियल्स आपके प्लस पीआईबी पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही वो आपका चलता रहेगा वो कभी नहीं बंद होगा और वो फिर देखिए एनवायरमेंट के लिए एनसीआरटी क्लास ट्वेल्थ का जो लास्ट फोर चैप्टर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट फोर चैप्टर्स एनसीआरटी क्लास ट्वेल्थ ये यहां से आपका बेसिक बन जाएगा फिर इसके बाद आप देख सकते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये सिविल सेवा परीक्षा हेतु बाई माजिद हुसैन यह बुक का नाम ही है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सिविल सेवा परीक्षा हेतु बाई माजिद हुसैन सर तो यह बुक आप देख सकते हैं माजिद हुसैन सर की यह बुक आप एक बार देख सकते हैं क्लियर है तो ये आपको यहां से मदद मिलने वाली है ओके ये है आप यहां से देख सकते हैं क्लियर है चलिए फिर चलते हैं आगे जीएस पेपर थ्री इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा क्या करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा और इसके साथ क्या है मुख्य चुनौतियां बाई मुख्य चुनौतियां बाई अशोक कुमार एंड बिपुल विपुल बिहारी तो ये आपको करना है एक मिनट बच्चों थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है एक सेकंड ठीक है तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियां बाई अशोक कुमार एंड बिपुल बिहारी तो ये आप देख लेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा और इसके साथ करंट अफेयर्स यानी आपका एडिटोरियल आप देखते होंगे कोई ना कोई ठीक है ना एडिटोरियल ये आपका चलता रहेगा प्लस पीआईबी भी गवर्नमेंट यानी रक्षा मंत्रालय क्या क्या स्टेप उठाता है गृह मंत्रालय क्या क्या स्टेप तो ये सारी चीजें यानी ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बस इतना ही और ये हिंदी में बुक है याद रखिएगा मैं जितनी बुक बता रहा हूं हिंदी में है वो ठीक है इसलिए मैंने वो चूज करी है जो हिंदी में है डिजास्टर मैनेजमेंट फिर पेपर थ्री में ही बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके लिए क्या करेंगे फिर एआरसी की तीसरी रिपोर्ट थर्ड रिपोर्ट है जिसका नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट ठीक है ना क्या नाम है क्राइसिस का प्रबंधन करना यह रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप बहुत बढ़िया से कर पाएंगे ठीक है चूंकि एकदम ऑफिशियल आपको सिस्टम पता लगेगा फिर इसके बाद देखना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस होती हैं ऑनलाइन ये ये मतलब इन्हीं की साइट पे जाकर के आपको ये देखना चाहिए क्योंकि ये रेगुलर कुछ न कुछ आते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए जो है एनडीएमए तो क्या नाम है एनडीएमए तो इसकी जो गाइडलाइन है उसको भी आपको देखना चाहिए प्लस करंट अफेयर्स यानी जो भी इश्यूज चलते हैं जैसे इस समय कोरोना पैंडेमिक है तो हम लोग एडिटोरियल तो एडिटोरियल यानी एडिटोरियल प्लस आपका पीआईबी ये आपका चलते रहना चाहिए क्लियर है तो ये हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर थ्री अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका बसता है तो देखिए पहला यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास ये बुक लेना है आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास ये टाटा मैग्राह टीएमएच की है सीलवन सिंह ये आपको लेना चाहिए एक बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास टीएमएच प्रकाशन की सिलवन सिंह और इसके साथ करंट अफेयर्स आपको लगाना है जिसमें एडिटोरियल्स करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स यानी करंट में जो भी घटनाएं घट रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी जैसे अभी हार्ड इम्यूनिटी चल रहा है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी चल रही है ये सारी बातें तो यानी करंट अफेयर्स में जो चल रहा है और प्लस एडिटोरियल्स तो आपका साइंस एंड टेक इसके अलावा इसके अलावा आपको कहीं भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है ये कहा मतलब एकदम ये आपको एकदम मैंने शॉर्ट क्रिस्प बिल्कुल बता दिया है आपको इससे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है अब देखिए जीएस पेपर फोर एथिक्स एथिक्स में क्या है सेकेंड एआरसी वही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कई रिपोर्ट आती है कई रिपोर्ट है बेटा सबके अलग अलग नाम है ये चौथी रिपोर्ट है फोर्थ रिपोर्ट है और इसका नाम है एथिक्स इन गवर्नमेंट शासन में नैतिकता हिंदी में लिखा होगा शासन में नैतिकता एथिक्स इन गवर्नमेंट तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ रहा और ये आपको निकालना है शासन में नैतिकता और अपनी यूनिट यानी यूपीएससी की यूनिट से कनेक्ट करते चले जाना है सेकेंड ए की ट्वेल्थ रिपोर्ट है बारहवीं रिपोर्ट इसी फिर एक रिपोर्ट कई रिपोर्ट आई है बारहवीं रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नागरिक केंद्रित क्या जो है प्रशासन तो ये आपको अगर ये पढ़ेंगे तो ये भी जबरदस्त है यूनिट थ्री यूनिट फाइव सिक्स और यूनिट सेवन के लिए ए, एक आपको बहुत बड़ा बेस दे देता है ये इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल तो आप इसे भी देख सकते हैं यानी तीन बुक आपके पास है क्लियर है तो ये आप एथिक्स के लिए आपको ये सारा कंप्लीट करना है क्लियर है अब यहां पर जैसे एक बात बताना आवश्यक होता है उन बच्चों के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं आपको ये सारी चीजें ये एक कंप्लीट बताया गया है कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं बट जिन बच्चों के पास हैं तो वो अपने आप से इन सब चीजों को आपको शॉर्ट और क्रिप्स बना करके दे देते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बरी होने की जरूरत नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और फाउंडेशन मेरे साथ अटैच होते हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको बना के देता हूं मैं बना के देता हूं ये नहीं है कि बना दूंगा ये देता हूं दे रहा हूं और आप सब भी यहां देख सकते हैं कितना कंटेंट पे काम मैं करता हूं तो ये ये मतलब है कि अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत है अदरवाइज आप समझ सकते हैं क्लियर है अब इसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है मैं केवल सोर्सेस बता रहा हूं इंपॉर्टेंट साइट तो इंपॉर्टेंट साइट में इंडिया डॉट जीओबी डॉट इन इसको आप चेक करते रहा करिए गवर्नमेंट यानी मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं इस पर आ जाता है unacademy.in ये भी हमारी साइट बहुत अच्छी है फिर इसके बाद newsonair.com ये भी आप सर्च कर सकते हैं PIB आपको करना ही करें ये ये सब है और इंडिया तो आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है आपको डेली बैठे खाली एक-एक बार यहां पे सर्च करिए इससे क्या होगा आप क्या करेंगे आप ना जुड़े रहेंगे आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आता रहेगा तो ये हो जाएगा ठीक है ना अब इसके बाद अगला है सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए तो देखिए आप अगर करना चाहते हैं तो दो चीजें हैं जैसे मनोरमा की ईयरबुक आती है हिंदी आप इसे कर सकते हैं मनोरमा की ईयरबुक इसके अलावा भारत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत जैसे इस बार आया है 2020 अगली बार आएगा 21 तो भारत कर सकते हैं योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्रा मैगजीन ये आपको करना है तो सोर्स ऑफ प्लस प्लस आपको बताने की जरूरत नहीं आप पीछे से करते चले आए हैं यानी द हिंदू का एडिटोरियल आपको करना करना है तो ये आपका करंट अफेयर्स का इतना ये हो जाएगा और इसके साथ आपका द हिंदू हो जाता है ठीक है जो मैं सुबह डेली एट एम पर आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होता हूं इसी चैनल पर यह हो गया अब आपका पूरा मुख्य परीक्षा का अब आपको पता लगा सब तैयार हो गया सारी बुक आ गई अब देखिए जरा प्रेलिम्स जैसे मेंस पढ़ने के बाद जरा याद रखिएगा वन ईयर स्ट्रेटजी में क्या था नाइन मंथ हमने केवल मेंस मेंस पे लगा दिया था और केवल तीन महीना के लिए बचाया था आइए देखिए उतना पढ़ने के बाद आपको प्रिलिम्स क्या पढ़ना है फॉर प्रिलिम्स जो आपकी बेसिक बुक्स हैं वो रिमेन रहेंगी वो सेम रहेंगे यानी जो उधर बेसिक बुक आपने पढ़ा है वो सब वही फिर से पढ़ना है इसका मतलब आपको वहीं पर सब तैयार हो जाएगा ठीक है ना इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर खूब प्रैक्टिस करनी होती है कई बार आपको बता चुका हूं फिर इसके बाद गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है किसी भी क्षेत्र की किसी भी मंत्रालय की उस पर आपको फोकस रहना है और सीसेट को क्या करना है कम पढ़ना मैं पहले कह रहा हूं कम पढ़ना इस पर बहुत ज्यादा प्राण नहीं देना कम पढ़ना पासिंग है आप पास हो जाते थोड़ा सा फोकस करेंगे मतलब यह नहीं कि आप सीसेट को लेकर के बहुत ज्यादा पागल रहे बस ये है कि चलो भाई कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेंगे अगर जिनका मैथ वगैरह अच्छा उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट उन बच्चों के लिए जिनको मैथ वगैरह अच्छी नहीं है तो उन्हें लगता है कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं गलत हो जाते हैं बट इस पर बहुत ज्यादा मारा मारी सिक्स मार्क्स आप समझ रहे बहुत आसान है तो कम पढ़ना इस पर फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना है पता चले आपका पूरा बेस जब एक बार पूरा बेस तैयार हो जाए जब आप रिवीजन करने लगे तो उस टाइम पर फिर सी सेट भी देखते चले पता चला आपके अंदर अभी सी सेट भी पढ़ना है अभी जीएस भी पढ़ना आप सोचिए क्या यह संभव है तो प्लीज बुक लिस्ट बताई गई है उसके साथ ये एक दो स्ट्रेटजी के भी पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा बाकी आपकी अपनी मर्जी तो यह कंप्लीट होता है आपका तो आज ये मैंने बताया आप लोगों को वन ईयर स्ट्रेटजी के साथ आप इसे देख सकते हैं क्लियर है बट अगर आपको यह लगे कि हम की कहीं ना कहीं ज्यादा है तो ऑबियस है भाई चीजें तो ज्यादा है आप कैसे कर पाएंगे तो ऑबियस है आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी आपको मेटोर चाहिए याद रखेंगे तो जिनको भी चाहिए वो मेरे साथ आकर के बच्चों यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं फाउंडेशन कोर्स में ये कोई ऐड नहीं है आप जहां भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी उनको बताऊं कि मैं पूरा फाउंडेशन और बहुत ज्यादा इनोवेशन के साथ आप सबको पता कराता हूं इसी चैनल पर तो आप एसके लाइव कोड के साथ यहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा अनकेडमी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तो आपको ये सारी, ना कुछ क्योंकि बुक तो आप सारी रख लेंगे बट आप पढ़ेंगे कैसे कोई, कोई समझाने वाला होना चाहिए कोई बताने वाला होना चाहिए तो ऑबियस है ये बुक लिस्ट थी जो बच्चे इंडिपेंडेंट करना चाहते उनके लिए है बट जिन्हें लगता है कि उन्हें कहीं कहीं करना ही करना है तो आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फिर मैं कहूंगा दिस इज नॉट एड ये बताना मेरी नैतिक जिम्मेवार है कि मैं कराता हूं फाउंडेशन अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए ठीक है बाकी बुकलेट्स आपको बता देगी साइंटिफिक है आप खुद भी कर सकते हैं आप किसी से कम नहीं यह भी आपके पास है कि आप किसी से कम नहीं आई होप आप सबको समझ में आया है और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद तब तक के लिए जय हिंद लेट्स क्रिकेट